चलिए बच्चों करते हैं आज की क्लास शुरू। आज हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर, बट क्वेश्चन फोर करने से पहले हमने कुछ फॉर्मूलास पढ़ने हैं। ये फॉर्मूला क्लास इलेवेंथ के है। आइए सबसे पहले हम कर रहे हैं बेटा ए यून बी। क्या आपको ए यून बी का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है। आपने शायद इस तरह के कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, पी ए यून बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कुछ याद आया इसको देख के बेटा? थोड़ा सा याद आया होगा, ए यून बी ए इंटरसेक्शन बी, राइट? ओके अभी पहले एक बेसिक फॉर्मूला। अच्छा ध्यान रखना, अभी फॉर्मूलाज और लिखवाऊंगा बट टॉपिक टू टॉपिक। तो पहले a यून b बोलते किसको है जानते हो? a यून b ये पूरा हो गया, a यून b ये पूरा है। कॉमन को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। a b ये हो गया a इंटरसेक्शन b, राइट? अच्छा एक और होता है जो आपको जानना जरूरी है, अभी आगे भी आएगा। हाँ जी, ये होता है a माइनस बी, या इसे ऐसे भी लिखते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। याद आया कुछ? ये होता है b माइनस a, यानी b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मींस उसके अलावा बाकी सारा। अब एक पॉइंट बोलते बोलते मेरे दिमाग से जस्ट अभी स्किप हो गया। हाँ आपने कॉम्प्लीमेंट पूछा था ना, उसी की बात करने जा रहा था मैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जैसा ए कॉम्प्लीमेंट बोला मैंने, ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए के अलावा बाकी सारा, तो यानी क्या हो जाएगा? बोले यहाँ तक क्लियर? अच्छा एक बात पूछने, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कंप्लीट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बता सकते हो? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? बोलो बोलो बोलो। वन, कोई भी चीज की टोटल, टोटल यूनिवर्सल, बेसिकली यूनिवर्सल क्या था? यूनिवर्सल क्या होता था? यूनिवर्सल यानी कंप्लीट। ठीक है तो आगे चलते हैं। अभी मैंने क्यों बताया, ये बताया क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। क्वेश्चन फोर, कोई बात नहीं, बनने तो वो भी देख रहे कि हमारे यहाँ पे मक्खियां भी डेडिकेटेड है, देख रहे हो? वो भी पढ़ने के लिए आई थी कि सर से पहले मैं पढ़ूंगी, फिर आ गई। इतना भी नहीं पढ़ना, आज कमाल हो गई हमारे साथ भी। ये बिल्कुल सब कुछ वाकई में क्लियर हो गया। चलिए चलिए, क्वेश्चन था मेरा कौन सा? क्वेश्चन नंबर फोर। अटेम्प्ट करोगे या मैं कराऊं? अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन फोर राइट नाउ। क्वेश्चन फोर क्या है? इवैल्यूएट ए यून बी, ये निकालना है पी ए यून बी। कैसे निकाले? टू पी। अब यहाँ पे बच्चा बहुत गलतियां करता है क्वेश्चन फोर के अंदर। 2PA is equals to PB is equals to 5 by 13, right? बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, इसको लिखते हैं PA PB 5 by 13, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये है 2PA, twice of A is equals to 5 by 13, PB 5 by 13, और PA by B, PA by B कितना है सर? तो सबसे पहले पी ए कितना हो जाएगा? पी ए कितना हो जाएगा सर? 5/26, राइट? ओके, ए बाई बी, इसका सर फायदा क्या है? मेरे को पता नहीं, मेरे को भी देखते क्या हो सकता है। पी ए बाई बी का क्या हो सकता है फायदा, बोलो?
पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी है मेरे पास, नहीं निकाल सकता हूँ, निकाल लो। पी बी कितना है सर, 5/13। ये पूरा एज इट इज आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 2/5 × 5/13, 2/13। बोलो यहाँ तक क्लियर, येस और नो? ठीक है, अब निकालना के पी ए यून बी, ए यून बी क्या होगा सर, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है, 5/26, पी बी 5/13, ए इंटरसेक्शन बी 2/13, तो 5 + 10 = 15, 15 माइनस 11/26, 11/26। बोलो क्लियर, करो इससे नोट, उसके बाद जिसका हो जाए वो करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट राइट नाउ। चलो बेटा अब इसकी बात करते हैं, इससे पहले एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ। अगर मान लो तीन सेट हो तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, जानते हो? अब ये लिखते हैं, अगर मान लो तीन सेट हो मेरे तो इसका बनता है पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होता है मेरे बच्चा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप बोलोगे ये सर क्या हो गया जी, एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, एक दो तीन, बस इतना जान लो बेटा ए बी सी में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहाँ होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बीच वाला, राइट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देव योर फेवरेट कलर मेरे बच्चा, फेवरेट कलर कौन सा, ओके पिंक। अब अगर मान लो मैं ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये पिंक वाला एरिया, ओके ओके ओके, दैट्स ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी बना लेते हैं। ये जो पिंक से लिखा है किसके लिए, ए इंटरसेक्शन सी के लिए। कामना योर फेवरेट कलर, ओके, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा वाला होगा बेटा, ब्लू वाला, ये पूरा, अच्छा जी, लास्ट बी इंटरसेक्शन सी, ये पूरा, इतना पॉइंट क्लियर सर? ये क्यों बताया, ये बताया क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, पढ़िए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन 11। आइए, अ पेयर डाई इज रोल्ड, हमें क्या कर रहे हैं, डाई को रोल कर रहे हैं, ओके, तो पहले इतनी बात, जैसे डाई इसको रोल करा आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, सबसे पहला काम कंसीडर द इवेंट्स ई एफ एंड जी, इवेंट्स बना लो ई एफ और जी, फाइंड पी ई बाय एफ, ये कर लोगे। मेन पॉइंट पे आता हूँ, क्या निकालना है ये, थर्ड ई यूनियन एफ, पहले लिख देता हूँ पी ई यूनियन एफ बाय जी, इसे निकालना है, कैसे निकालू सर, क्या यूनियन निकाल लेते हैं, यूनियन की प्रायोरिटी निकालनी पड़ेगी बेसिकली। इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, राइट, ऐसे बनेगा ना मेरा बच्चा। बेटा एक बार बताओ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई बी का फॉर्मूला याद है सबको, क्या होता है ए बाई बी का फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो इसका क्या बन जाएगा, खुद सोच के बताओ, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, पॉइंट क्लियर, ओके। अब निकाले कैसे सर, क्या दिक्कत है, फॉर्मूले से निकालू, ये वाला क्वेश्चन किससे करना चाहिए, मेरा तरीका फॉर्मूला, फॉर्मूला से पूछो क्यों,
वो तो कॉमन सेंस से ज्यादा ही थी तभी फॉर्मूला बोल रहा हूँ। अच्छा ये पता लग रहा है कि फॉर्मूला कब यूज करो मेरे वाला कब यूज करो, वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर मेरे वाला ज्यादा ईजी रहता है इस टॉपिक के लिए, और वैसे नॉर्मल अगर आ जाए तो फॉर्मूला। आओ तो सबसे पहले ई यूनियन एफ की बात करते हैं। ई कितना मेरे बच्चा 1 3 5, एफ कितना है 2 3, जी कितना है 2 3 4 5, तो ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा सर 1 2 3 5 राइट। ठीक है तो अब किसका इंटरसेक्शन निकालना है, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। अब निकालते हैं ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन निकालना है 2 3 5, वेट 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 जल्दबाजी मत करना, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की, एक सेकंड मैंने इसकी प्रायोरिटी इसकी प्रभाव पूछी है, या तो पीजी में से निकाल लो सीधा 3/4 हो जाएगा, डायरेक्ट लगा दिया ऐसे फॉर्मूले वाइज क्या होता है पी का मतलब टोटल से निकालते हैं, जैसे ये 3 आ गए तो 3/6, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछूं तो क्या बोलेंगे 3/6 प्रोबेबिलिटी का मतलब जितने इसमें अपॉन में टोटल अदर ऑफ कंफ्यूज। अगर मान लो आपसे पूछूं पीई क्या बोलोगे आप, PE मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बोले 3/6 बोलोगे ना, तो PE यूनियन F इंटरसेक्शन G क्या होगा 3/6। सुनो अगर P बोलते हैं ना बेटा, P का मतलब होता है बेस टोटल लेना होता है, हमेशा टोटल सैंपल स्पेस का लेना होता है, क्लियर यस और नो। तो ये तो 3/6 हो जाता है फॉर्मूले वाइज, और PG क्या होता 1 2 3 4 PG सीधा लिख दूं 4/6, तो फॉर्मूले वाइज क्या बन जाता 3/6 यानी 3/4। और अगर मेरा वाला तरीका लगाना है शॉर्टकट तो पहले क्या गिवन वाला ले लो, गिवन जो डिनोमिनेटर में बेस, बेस क्या है 2 3 4 5, इसमें से निकालो ऊपर वाला कॉमन वाले कितने हैं 2 3 5, क्या हो जाएगी 3/4, क्लियर। सेकंड पार्ट भी हो जाएगा इसी तरह। ओके नेक्स्ट इज इसका मतलब सबका इंटरसेक्शन कॉमन जो सब में आता हो, या हो जो सब में आता हो, पॉइंट क्लियर। ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का मतलब ही होता है। ओके सेकंड पार्ट इसका होमवर्क में इसी तरह आपसे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 13। किसी से किसी को क्वेश्चन नंबर 13 नो क्लियर है? ओके करो ऐसे नंबर चलते हम लोग 13।